संतोष योग में आपका स्वागत है। 10 दिन में 2.5 किलो वेट लूज हुआ है, मतलब 3 किलो वेट लूज हो गया था। तो उसके बाद जैसे थोड़ा अप डाउन हो जाता तो 2.5 किलो तो प्रॉपर चल ही रहा है मेरा। मैम मैं 92.45 पे आई थी, तो मैम मेरा अब आ रहा है 89.45। कह रही हो कि इन्होंने 1 वीक में 2.5 kg रिड्यूस किया है, उन्होंने क्या डाइट प्लान फॉलो किया उसके लिए? हाँ, बता दो भाई ने क्या किया है। गुरमीत बताइए इन्हें क्या मैंने कोई भी डाइट प्लान मैम मैंने फॉलो नहीं किया, बस भूख को रख के खाया, थोड़ा भूख रख के खाया और चबा चबा के खाया। यही तो हमारा मेन टिप है। आप इवन समोसा भी अगर चबा के खा रहे हो ना वो भी नहीं लगेगा। 6 kg वेट लॉस तो हुआ है, नींद भी अच्छी आ रही है। अब पेन किलर जैसे मैं पहले रोज लेती थी अभी 5-6 days में लेनी पड़ती है मेरे को। हाँ, 6 महीना हो गए। मेरा 86 था और अब 68 है। सिर्फ YouTube वीडियोस को देख के कर लिया जी, चक्कर आने शुरू हो जाते थे, बीपी डाउन हो जाता था, मेरी सांस फूलती थी बहुत ज्यादा, गिर भी जाती थी, बॉडी ऐसी हो जाती थी फूली हुई सी अजीब सी। मेरा ये उल्टा हाथ, इसमें ब्लॉकेज थी मेरी आंसू की इस उंगली से, तो ये उठता नहीं था, एकदम उठना बंद हो गया था मेरा। तो 2-3 साल मेरा इसका इलाज चला, तो ये खास से सब काम करती थी, मैं घर का भी। मैडम बहुत परेशानी थी मेरे को, पंजे नहीं रख पाती थी मैं, मतलब चलती थी तो इतना दर्द होता था कि मेरे ये थाइयों में और इसमें बहुत दर्द होता था। ये घोटू है ना, ये कट कट बोलते इस तरह से, पी का दर्द भी हो गया खत्म। दवाई खाते 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 फिर बाद में मैंने ऐसे ही आपका देखा, तो मैंने कहा अब मैं इसी को यानी देख के करूंगी। मतलब कि 6 महीने से आपकी जिंदगी में सुधार आया है। बहुत बहुत आया है मैम। मैं आई थी 75 पे और 69 हूँ। शुरू में क्या दिक्कत थी कि मुझे ना पित्त बहुत हो जाता था शरीर पे ना, इसलिए 2 साल से मैं दवाई खा रही थी। दाने दाने निकल आते थे मैम, छोटे नहीं बहुत ही मोटे वाले। जैसे ही मैंने ये ज्वाइन किया है ना मैम अंतस, तब से विद इन 2 days दवाई छोड़ दी है मैम। मोटे मोटे। दवाई आपने कब तक खाई? 2 years खाई है। मुझे नहीं पता था कि पित्त भी ठीक हो जाएगी मेरी। मुझे तो ये था कि चलो वेट लॉस के लिए मैंने काफी कुछ ट्राई कर लिया, अब ये भी ट्राई करके देख लेते हैं ना। जिम मैं कर चुकी हूँ, इससे कुछ नहीं हो रहा तो इससे क्या होगा, ये तो बिल्कुल हल्की फुल्की एक्सरसाइज। मतलब मैं चलने फिरने में भी थोड़ी ये हो गया था कि मुझसे बैठा नहीं जाता था, चला नहीं जाता था। घुटने मेरे मैं खूब मतलब चलती फिरती हूँ, नाचती कूदती हूँ, सब कुछ एकदम बहुत ही बढ़िया हो गया। मैं ये वाला हिस्सा ना मेरा, इसमें ना ऐसे चलती रहती थी 3-4 सालों से था पिछले, बहुत ही पेन इसमें, हर सर्दी आती जैसे सर्दी आती थी बहुत पेन होता था, लेकिन मैम बिल्कुल ठीक मैम, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बल्ले बल्ले हो गई। जिनको भी बॉडी में स्वेलिंग रहती है, पैरों में दर्द रहता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है, या किडनी की प्रॉब्लम है, या मेनोपॉज में मूड स्विंग होते हैं, उनके लिए सबके लिए अपान मुद्रा। तो यूरिन के रूप में आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, शरीर की गंदगी को बाहर निकालने के लिए होती है अपान मुद्रा। इससे यूरिन खुल के आएगा और इसके साथ एक और एडवांस मुद्रा अपान वायु मुद्रा। उसमें क्या करते हैं, ये भी मैंने बहुत पहले बताया था, ये फर्स्ट फिंगर को वायु मुद्रा होती है, ये ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। इस मुद्रा को ऐसे दबाएंगे और फिर जो मैंने अभी बताया है बीच की दोनों फिंगर्स को ऐसे। शुरुआत कैसे करेंगे, हथेलियों को खोल के घुटने के ऊपर रख के गहरा सांस लेंगे, गहरा सांस छोड़ेंगे, 8-10 बार करने के पश्चात जब आपका मन शांत हो जाए, जिनको मुद्राओं का कोई ज्ञान नहीं है वो बीच की दोनों फिंगर्स के टिप को मिलाएंगे, अंगूठे से हल्का सा प्रेशर देंगे, बाकी दोनों फिंगर्स बाहर की तरफ स्ट्रेच रहेंगी, राइट। यह अपान मुद्रा, इससे आपको यूरिन खुल के आएगा शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालने के लिए, 90% बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। उसके पश्चात यदि आपको साथ में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, बार बार गैसेस बनती हैं, केमिकल रिएक्शन होता है कुछ भी चीज खाते ही भारीपन रहता है पेट में, तो आप उसके साथ क्या करेंगे, पहले वायु मुद्रा, ये तीनों फिंगर्स मिली और इसके रूट में लगाया और फिर इसके ये जो मैंने बताई है अपान मुद्रा जैसे, ठीक है। इसमें हमने वायु मुद्रा बनाई, ठीक है, फिर हमने टिप को ये मिला दिया, लिटिल फिंगर को स्ट्रेच किया, वेरी गुड, आंखें बंद, 5 लंबी गहरी सांस।